आप सभी को नमस्ते, मैं रवि कुमार कुछ ताजा खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हुआ हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़माल थाना अंतर्गत खिरवाल चौक के पास में एक अनजान गाड़ी की टक्कर मारने के कारण शीतल सिंह नामक एक युवक की मृत्यु हो जाने के साथ प्रेमालाल सिंह नामक एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली। कुलाबरा ब्लॉक अंतर्गत भीमजोर में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक टंकधर त्रिपाठी। एकाताली में चल रहे कार्तिक पूजा का विसर्जन धूमधाम से किया गया। सरवाहाल सरकारी उच्च विद्यालय में जिला स्तरीय डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूल के स्टूडेंट भाग लिए। जयनगर में स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में राज्य स्तरीय ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर जूनियर कैटेगरी में 102 और सीनियर कैटेगरी में 93 पार्टिसिपेट किए। तेलनपाली में नुआ आशा संगठन की ओर से जिले में स्थित विभिन्न समस्या और इसके समाधान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र झारसुड़ा और बिलपहा रेफरी एसोसिएशन की ओर से नशीली दवाओं का लत और मादक द्रव्यों का सेवन से कैसे बचा जा सकता है उसे लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत पंचगांव में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए आए मिलेट प्रोटीन जूस में कीड़ा निकल जाने को लेकर शिकायत की गई। झारसुड़ा इंजीनियरिंग स्कूल में करियर काउंसलिंग और लाइफ स्किल प्रोजेक्ट MCL का एक पहल कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान शामिल होकर कार्यक्रम का उद्घाटन किए। इस कार्यक्रम में कलेक्टर अवनीश नारवाने, रेवेन्यू मिनिस्टर सुरेश पुजारी और विधायक टंकधर त्रिपाठी शामिल हुए। गुमाडेरा में स्थित एक होटल में BJP की ओर से प्रेस मीट का आयोजन किया गया। ब्रजानगर निर्वाचन मंडली में होने वाले विकास कार्यों को लेकर इस प्रेस मीट में सूचना दी गई। झारसा थाना अंतर्गत बंगालीपाड़ा में रहने वाले गीता रानी सरकार नामक एक महिला को उनके बेटे चाकू दिखाकर धमकी देने के साथ उनके घर पर पत्थर मार करने और सामान तोड़फोड़ करने की शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे। धन्यवाद।